मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में वाटर सेट परियोजना 10 ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से चल रही है। किसानों को मात्र 50 रुपए प्रति दिन में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने लेकर 50 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत पाजी में कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखिए, वाटर शेड परियोजना यहाँ तेंदुखेड़ा अंतर्गत 10 ग्राम पंचायतों में चल रही है। उसमें से एक ग्राम पंचायत में हमें एक आइडिया साइट मिली, वहाँ पर एक कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है जो लगभग 50 लाख की लागत से उसका स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। उसके बाद उसमें विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण और उद्यानिकी संबंधी उपकरण वहाँ पर रखे जाएंगे, साथ ही उन्नत बीजों की भी वहाँ पर उपलब्धता रहेगी और बाजार दर से जो भी किराए की दर होती है उसमें से सबसे जो न्यूनतम दर होगी उस दर पर किसानों को रेंट पर उपलब्ध कराया जाएगा कृषि उपकरणों को, और साथ ही जो खाद बीज होंगे वो बाजार से कम दर पे अच्छी किस्म के बीज जो है कृषि से संबंधी या उद्यानिकी से संबंधी वो उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, जो राशि इकट्ठी होगी क्या वो पंचायत अपने स्तर पर लेगी या फिर किसी और को सौंपा जाएगा? देखिए, उसके रख रखाव की जवाबदारी पंचायत को दी जाएगी, लेकिन जो उसमें कार्य करना, जो उसमें संचालन करना है, किसानों को सामग्री उपलब्ध कराना है किराए पर, वो सारा स्वसहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा और उससे जो आय होगी वो स्वसहायता समूह के स्वावलंबन में काम आएगी।